ऑफिस आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्रार और ये मेरा मम्मी की क्रिएशन चैनल है और हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट डाल दिया। अपने अगर ना देखा हो तो वो देख ले। और आज हम लोग का अजमेर में दूसरा दिन है और हम लोग अभी जा रहे हैं दरगाह में सलामी देने और हम लोग तारागढ़ गए अब उसके आगे। और अभी तो हम लोग बाजार में हैं और अभी हम लोग बूट चप्पल सब देख रहे हैं। इधर मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ के ड्रेस भी बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ सारी शॉप है, यहाँ वॉच की शॉप है, यहाँ सारी होटलें हैं और यहाँ पे। और अभी हम लोग दरगाह के अंदर एंटर हो चुके हैं और हम लोग अभी डेक देखने जा रहे हैं, तो आप भी देखना इंशाल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज आपको आप लोगों को भी बुलाए। हमने आप लोगों के लिए भी बहुत दुआ की, मेरे मम्मी के सारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स और सारे फैंस जा सके, आमीन सुम्मा आमीन। और आप आगे का व्लॉग देखते जाए। लोग अजमेर दरगाह के पास खड़े थे और यहाँ से तारागढ़ का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मेरे मम्मी बोले यहाँ से भी मैं वीडियो उतारती हूँ और आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अभी ठंडी भी बहुत है और मज़ा भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आओगे। अभी हम लोग तारागढ़ जाने के लिए निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हो रास्ते का मौसम कैसा है और रास्ता भी बढ़िया था, हमको जाने में कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो आप देखें आगे क्या क्या। नवाज की दरगाह में जैसी डेग है यहाँ भी ऐसी, एक 40 मन की है, एक 60 मन की है और एक 80 मन की है।
तो हम लोग उतर चुके हैं तारागढ़ से और अभी हम लोग ने बैटरी वाली रिक्शा ऑटो की और अभी हम लोग जा रहे हैं सेवन वंडर। हम लोग का भी फर्स्ट टाइम है, अभी ये लॉकडाउन के बाद ही बना है, तो आप भी टूर करें। मेरे मम्मी की चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी वॉइस कैसी लगती है, आप वीडियो कैसी लगती है, और मेरे मम्मी की लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में हमको एक दो घंटा लग जाता है, वॉइस देने में भी हमको एक दो घंटा लग जाता है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप कमेंट जरूर करना, हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आगे लाते रहेंगे। तो अभी हम लोग सेवन वंडर पहुंच चुके हैं और अंकल साइकिल लेके बाहर खड़े थे। तो आइए मैं आपको बचपन की यादें ताज़ा करवाता हूँ। यहाँ खट्टी मीठी इमली थी और मस्त आम पापड़ था, जेली थी, हमको यहाँ मजा। तो बताइए अब स्कूल के पास किसने बचपन में खट्टी मीठी इमली और वो सब खाई है, मेरे को कमेंट जरूर करना। अभी हम लोग यहाँ अंदर एंटर कर रहे हैं और इसकी एंट्री फ़ी है 10 रुपीस, जो कि हमको बहुत मज़ा आया था। मैंने यहाँ वीडियो भी शूट करी, यहाँ एफिल टावर भी है। हमको यहाँ सबसे अच्छा लगा ताजमहल, जो कि इंडिया का सबसे अच्छी निशानी है और सबसे खूबसूरत भी है, और यहाँ सारे अजूबे थे। तो आप आगे देखना। तो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी सेल्फी स्टैंड, जिसमें मेरे को बहुत दिन से वीडियो उतारनी थी और मेरे को यहाँ सेल्फी स्टैंड मिल गया, तो मैं उधर वीडियो पढ़ाने खड़ा हो गया। तो आप आगे वीडियो देखते। तो अभी हम लोग थोड़ी रास्ते में शॉपिंग की और अभी आ गए हम लोग डायरिन के झुपड़े पे, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, तो मम्मी ने यहाँ वीडियो शूट करी। और यहाँ से भी तारागढ़ की दरगाह दिखती है और यहाँ से भी चल के दाने का रास्ता है। और ये ढाई दिन का झोपड़ा है, इसको ढाई दिन में बनाया गया था। यहाँ मस्जिद भी है जहाँ 5 टाइम की नमाज भी होती है। और आप मस्जिद में जो गेट देख रहे हैं उसमें कुछ कुरान की आयतें लिखी है, और मैं और मेरे मम्मी थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मैं मम्मी से फोटो खिंचवाने की जिद कर रहा था, मम्मी मेरे को छेड़ रहे थे, बोले नहीं खिंचवाऊंगी, मेरे को खाली यूं ही मस्ती कर रहे थे। फिर मेरे को उन्होंने एकदम से सरप्राइज कर दिया और मेरे को 5 फोटो खिंचवा के दिया, और हम लोगों ने हमारी फैमिली के भी फोटो खिंचवाए। कैमरा मैन घूमते तो हम लोगों ने उनके पास फोटो खिंचवाए थे, और इस टाइम पे भी पब्लिक भी बहुत थी और हमको मज़ा भी आ रहा था, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, तो हमको यहाँ मज़ा आई।
सबे बारात वाला दिन है, हम लोग असर ईशा और मगरिब यहीं नमाज पढ़ी, फिर हम लोग थोड़ी देर खाना खाने गए, फिर उसके बाद वापस हम लोगों ने पूरी रात वहाँ इबादत की। लास्ट दिन है और हम लोग का भी दरगाह में भी लास्ट दिन है और अभी हम लोग की 3:55 की ट्रेन है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वापस यहाँ जाऊँगा तब मैं वापस व्लॉग बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। तो अभी हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और अभी कुछ ही देर में हमारी ट्रेन है तो हम लोग अभी फिर घर चले जाएंगे। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, तब हम लोग जब निकले उस टाइम पे बारिश भी आई, हमको जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि जो भी आता है उसको किसी को जाने का मन नहीं होता, वो आता जाता है खुशी खुशी लेकिन जाता है दुख होके क्योंकि उनको भी आना होता है। अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी हम लोगों ने मेनू लिया है और हम लोग उधर खाने का ऑर्डर कर रहे हैं और अभी खाने का मेनू हम लोग को पता चला है जो कि आबू रोड से आएगा और खाने का बहुत अच्छा था, मज़ा आई उनको हमको खाने की। आप लोगों को भी ऑर्डर करना हो तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जैसी प्राइस है ऐसी क्वालिटी भी है और आप जैसा बोलोगे ऐसा ला के देंगे, अगर आप बोलोगे हमको तीखा नहीं चाहिए तो नहीं ला के देंगे, मिर्ची भी कम डालेंगे और अगर आपको आवो की रबड़ी खानी है तो वो भी दे जाते हैं और आपको ट्रेन से उतरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रेन में ही आके आपकी सीट नंबर बोलोगे वो सीट में आके दे जाएंगे और जैसे पैसे लेते हो ऐसे खाने का भी होता है। तो अभी आ चुका है हम लोग अहमदाबाद स्टेशन पे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, तो इंशाल्लाह मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको मिलूंगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, बाय।